તરીકે ઓળખાય છે. પર્યાવરણની ઔષધિની મધંજન સુધી કેમ ઘર ઘર સુધી કેમ પહોંચાડવે, રાત ને દિવસ મહેનત કરે છે. અને એમના ઘરે બીજ બેંક છે, 700 થી વધારે બીજનું કલેક્શન કરીને આખી और घोषणा भी करना चाहूंगा, इतना अच्छा कैंपस है, इतनी अच्छी टीम है. डीएलएसएस के स्टूडेंट्स को 12th के बाद कॉलेज भी यही करने का मौका मिले, तो डीएलएसएस शुरू हो उसके लिए पूरे प्रयत्न करेंगे. पहली कॉलेज आपको ही देंगे. थैंक यू सर. ઓકે થેન્ક યુ. 170 ની એવરેજ થી વિકેટ કીપર વિથ બેટ્સમેન છે. 77 વખત સ્ટમ્પિંગ કર્યું, 33 કેચ પકડ્યા, 41 રન આઉટ કર્યા છે. નાની ઉંમર ની અંદર બોટાદ જિલ્લાનું નામ રોશન કર્યું છે. દશરથસિંહ અને એમના પિતા અર્જુનસિંહ રાણા કન્નત મસ્તક વંદન. આજ એક મોકા મિલા कि हनुमान जी महाराज की इस धरती के ऊपर हमें आने का, आपके यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. इसका पूरा श्रेय मैं त्रासणिया साहब, उनकी पूरी टीम और गोपाल जोशी को देता हूँ. गोपाल जोशी जी ने हमें बताया था कि हम फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स को इकट्ठा करके, सभी ट्रेनर्स को इकट्ठा करके हम एक छोटी सी बैठक करेंगे, जिसके अंदर हम सभी व्यायाम संघ वाले, हम सभी, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए टीचर, हम सभी लोग यहाँ पे बैठ के फिजिकल एजुकेशन को केजी से लेके पीजी तक कैसे कंपलसरी किया जाए और फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स को जिंदगी का हिस्सा हर एक विद्यार्थी के लिए कैसे बनाया जाए, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए बोटाद जिले की आज की मीटिंग रखी गई थी. मुझे ये नहीं मालूम था कि हमारे प्यारे बच्चों को भी, DLSS के बच्चे तो सभी मेरे बच्चे हैं, कि पूरे गुजरात के अंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात की जिम्मेवारी भी गुजरात सरकार ने हमें दी है. तो उन बच्चों को क्या क्या खाने का चाहिए, क्या क्या, कैसा न्यूट्रिएंट डाइट चाहिए, कैसे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देनी चाहिए. तो जैसे कोलगा साहब ने हमें पूछा कि यहाँ का बोटाद का संकुल आपका कब जिला लेवल का जो कॉम्प्लेक्स है वो कब शुरू होगा, तो सर मैंने तुरंत ही, आप देख रहे थे, मैंने इमरान पठान को फ़ोन लगाया और आज का स्टेटस जाना. तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले अगस्त महीने के अंदर 8 महीने में आपका संकुल बना गया है और हम सभी लोग उसी कॉम्प्लेक्स में 29th अगस्त क्या है बताओ आप लोग, मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन, नेशनल स्पोर्ट्स डे, और उसी दिन आप लोग यहीं पे ऐसी तरह हम लोग सब बैठ के वहाँ पे प्रोग्राम करके मिलेंगे.